तो लड़की पर नारी है, क्योंकि पर नारी में भी कलयुग का निवास है। लेकिन यहां जो मैं बता रहा हूं पर नारी का अर्थ, क्योंकि जिस लड़की से प्यार हो गया वो भी तो पर है, लेकिन ये सोच करके तुम प्रेम कर रहे हो कि इसको निभाना है, इससे विवाह करना है और जीवन भर इसको निभाना है, इसके साथ धोखा नहीं करना, यानी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसा धोखा किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए और न ही किसी लड़की को किसी लड़के के साथ ऐसा धोखा करना चाहिए। प्यार करो मत, अगर किया है तो उसको निभाओ। लेकिन शादी से पहले मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। शादी से पहले शारीरिक संबंध अगर कर रहे हो महान अपराधी हो, प्यार करने लगे और शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बना लिए और प्रणाम क्या हुआ, लड़के का मन हट गया, अब लड़की परेशान हो गई। गलती किसकी है? गलती लड़की की है, उसको मर्यादा में रहना चाहिए था। मैं लड़कियों को कहना चाहूंगा, अक्सर मैंने देखा जो अपराध कर देते हैं शादी से पहले, लड़की का मन नहीं हटता लड़के से, लेकिन लड़के का मन हट जाता है लड़की से। इसी लड़कियों के संग ये धोखा ना हो, लड़कियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और शारीरिक संबंध कहीं बना लिए, धोखा हमेशा लड़की के साथ होता है, ज्यादातर केसों में देखा गया है। तो आजकल बहुत बुरा माहौल है, इसलिए अपनी मर्यादा के किले में लड़कियों को भी लड़कों को भी रहना चाहिए। फिर भी बिगड़ता लड़की का है, इससे लड़कियों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। प्यार में इतना अंधे मत हो जाओ। शादी के बाद पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो शादी से पहले नहीं होने चाहिए, इसमें धोखा हमेशा लड़की के साथ होता है, पछताती लड़की है। इसलिए अंधा नहीं होना चाहिए, आवेश में नहीं बहना चाहिए, अपनी मर्यादों में रहना चाहिए।